दोस्तों बात करने वाला हूँ इस नोटिफिकेशन के बारे में, नोटिफिकेशन नंबर 10/2021 का, जो कि सेंट्रल टैक्स रेट का है और ये नोटिफिकेशन 30 सितंबर 2021 को इशू किया गया है। अगर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पे जो गवर्नमेंट के पास पावर है सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के अंदर, उस पावर को यूज करते हुए यहाँ पे गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नंबर 4/2017 का जो है 28 जून 2017 को इशू किया गया था उसको अमेंड कर रही है। क्या अमेंडमेंट कर रही है यहाँ पे देख सकते हैं, सीरियल नंबर 3 के अंदर सीरियल नंबर 3A इंसर्ट किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे अमेंडमेंट किया जा रहा है, मतलब कि अगर आप GST में रजिस्टर्ड हैं और यहाँ पे इस तरह के मटेरियल परचेज करते हैं आप, जैसे इंसेंशियल ऑयल हो गया, इन सभी ऑयल्स को छोड़ के, ठीक है, उस केस में अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करेंगे तो GST आपको ही जमा कराना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर इस तरह का जो रिसिपेंट है इस तरह के गुड्स की सप्लाई को रिसीव करता है तो RCM बेसिस पे उसको GST पे करना होता है। यहाँ पे सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के हिसाब से ये जो स्पेसिफाई गुड्स है, ये चैप्टर हेडिंग हो गया, इस चैप्टर हेडिंग के अंदर अगर आप इस तरह के माल को खरीदते हैं तो उस केस में आपको RCM बेसिस पे GST पे करना पड़ेगा और ये 1 अक्टूबर 2021 से एप्लीकेबल हो गया है। सेम नोटिफिकेशन IGST के अंदर यानी इंटीग्रेटेड टैक्स में इशू किया गया है, जो कि नोटिफिकेशन नंबर 10/2021 का है और ये 30 सितंबर 2021 को इशू किया गया है। इसको भी चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे IGST एक्ट के अंदर सेक्शन 5/3 RCM बेसिस पे जो टैक्स पे करना होता है उसके बारे में बोलता है। सेक्शन 5/3 के अंदर जो गवर्नमेंट के पास पावर है उस पावर को यूज करते हुए यहाँ पे गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नंबर 4/2017 का जो इंटीग्रेटेड टैक्स का इशू किया गया था उसको अमेंड कर रही है। यहाँ भी सेम चीजें हैं, 3A को इंसर्ट किया जा रहा है सीरियल नंबर 3 के अंदर। ये सभी गुड्स देख सकते हैं जिसका ये चैप्टर हेडिंग ये है, एचएसएन कोड ये है, एसेंशियल्स ऑयल अगर आप परचेज करते हैं इन अदर देन ये जो ऑयल्स बताया गया है इनको छोड़ के किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदते हैं तो उस केस में आपको RCM बेसिस पे GST पे करना पड़ेगा। 1 अक्टूबर 2021 से ये एप्लीकेबल है। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए, ये था एक कमाल का अपडेट जो मैं आपके सामने लेकर आया। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।